फ्रीजिंग पॉइंट। आयशा, ये क्या है? ये बैकमैन्स अपैरेटस है। ये क्या काम करता है? मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये आला बैकमैन्स अपैरेटस कहलाता है। इसे फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, फ्रीजिंग ट्यूब, साइड आर्म, आउटर ट्यूब, थर्मामीटर, आइस जार और एयर जैकेट। मिसाल के तौर पर हम पानी के फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करते हैं। जब पानी को किसी भी फ्रीजिंग मिक्सचर से ठंडा किया जाता है तो पानी के वेपर प्रेशर कम होने लग जाता है, हत्ता कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि पानी के वेपर प्रेशर फ्रीजिंग मिक्सचर यानी बर्फ़ के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कॉमन लिक्विड्स। डायथल एथर के बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट -116 डिग्री सेंटीग्रेड है। इथाइल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड है। एन ऑक्टेन के बॉइलिंग पॉइंट 126 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट -57 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक्टिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड है।